दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 9 दिन से डटे किसानों का दिल्ली कूच, किसानों की मूवमेंट के साथ ही शंभू बॉर्डर पर छिड़ा घमासान। सुरक्षा बलों ने किसानों पर बेतहाशा दागे, आंसू गैस के गोले, धुआं धुआं हुआ इलाका। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस की गोलाबारी से मची अफरा तफरी, भगदड़ की दिखी स्थिति। सुरक्षा बलों ने गन से आंसू गैस के गोले दागने के साथ ड्रोन का भी किया इस्तेमाल, किसानों पर आसमान से बरसी आफत। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से फैली अफरा तफरी, कुछ देर बाद थमी, फिलहाल दोनों तरफ है शांति। किसानों पर सुरक्षा बलों के एक्शन के बीच सरकार संघ पांचवें दौर की बातचीत को तैयार, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को दिया न्योता। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा शांति बनाए रखना जरूरी है, एमएसपी, पराली, एफआईआर समेत सभी विषयों पर चर्चा को हूं तैयार। एमएसपी विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा सरकार किसानों के साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, सभी फसलों पर नहीं लेकिन अहम फसलों पर सरकार को देनी चाहिए एमएसपी की गारंटी। शंभू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों की दिल्ली कूच की खास तैयारी, आंसू गैस और वाटर कैन से बचाव के लिए तरह तरह के मास्क से दिखे लेस। प्रदर्शनकारी किसान सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़ने को तैयार, जेसीबी और पॉक्लीन मशीनों से दिखे लेस। अम्बाला पुलिस ने अज्ञात पॉक्लीन मशीनों के चालकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। परवान चढ़ा किसानों का प्रदर्शन, प्रदर्शन में पतंगों की अहमियत, सुरक्षा बल ने ड्रोन के जरिए डोर उलझाने को लिए पतंगे लेकर उतरे प्रदर्शनकारी। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने सरकार को किया आगाह, कहा किसानों पर अत्याचार न करे सरकार, हमें आने दे दिल्ली, दिल्ली आना हमारा हक है। पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए, ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार को दी धमकी, बोले कहीं ऐसा ना हो हम अपना आपा खो दें। अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठे सरकार जिस तरीके। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा या तो सरकार बैडन अटाकर हमें दिल्ली आने दे या हमारी मांगे मान ले। डीकेयू नेता राकेश टिकैत का बयान, किसानों को कमजोर ना समझे सरकार, अभी हम शांति से कर रहे हैं प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं, 22 फरवरी को करेगा फैसला। किसान संगठनों के बीच गुटबाजी पर बोले किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी, अगर चार भाइयों में विवाद के बावजूद कोई एक किसी और से निपटता है तो बाकी लाठी उठा लेते हैं। पिछला बार जो था, पिछले बार पूरे देश का किसान दिल्ली जाने से पहले इकट्ठा हो गया था, मीटिंगें हो गई थी, एक कमेटी एक बना ली थी और 7 मेंबरी कमेटी एक बन गई थी। और हरियाणा पुलिस ने कहा जेसीबी और पोखरीन मशीनों का इस्तेमाल कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए करने पर उन्हें जब्त किया जाएगा, ऐसे वाहन पर सवार लोगों पर दर्ज होगा मामला। गृह मंत्रालय ने भी तोड़फोड़ करने के लिए लाई गई मशीनों को जब्त करने का दिया आदेश। गृह मंत्रालय ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की, मुख्य सचिव के उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। बिहार विधानसभा में बरपा हंगामा, नीतीश कुमार के विधानसभा पहुंचने पर बाहर और भीतर राजनीतिक विधायकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे, भड़के नीतीश। मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं हम आपको जिंदाबाद कहते हैं, बाहर भी बोल रहे हैं जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगा। नीतीश कुमार ने नारेबाजी कर रहे आरजेडी विधायकों से कहा मुर्दाबाद कहते रहिए, अगली बार आप खुद खत्म हो जाएंगे, एक सीट भी नहीं मिलेगी। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे
नीतीश का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। आरजेडी विधायकों से बोले, गड़बड़ आप लोग कर रहे थे, हमने अब सही कर दिया है, अगली बार हंगामा घर में और क्षेत्र में करना, विधानसभा में नहीं मिलेगा मौका। न्याय यात्रा के दौरान रायबरेली में नशे पर राहुल के दिए बयान पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को नशे में की लत पर कहा, वाराणसी में मैंने देखा है गाना बज रहा है, युवा शराब पीकर नाच रहा है। वाराणसी में यूपी की सच्ची हालत, सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए वाराणसी में। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार, बोली यूपी को लेकर राहुल के मन में भरा हुआ है जहर। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी राहुल पर बिफरे। राहुल ने मांगा परिजनों के नशा नहीं करने का सर्टिफिकेट, कहा जो खुद नशा करता है वो दूसरों को नशेड़ी कह रहा है। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा क्योंकि मैंने गांधी परिवार को करीब से देखा है, उनके घर में इस देश का सबसे ज्यादा शराब का सेवन किया जाता है, ऐसी मुझे जानकारी है। अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी और एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील को दी धमकी, कहा इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। से कितने आए कितने गए, मैंने उस समय भी कहा इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। नवनीत राणा ने ओवैसी के बाबरी मस्जिद जिंदा है वाले बयान पर भी किया पलटवार, कि बाबरी जिंदा है जिंदा थी, मैं उनको एक ही बोलती हूँ, राम भगवान जी का मंदिर जिंदा था है और रहेगा। संदेश खाली पर बीजेपी ने सीएम ममता से किया सवाल, रविशंकर प्रसाद ने पूछा क्या और छिपाना चाहती है ममता, किस लिए महिलाओं की आबरू को दांव पर लगाया। एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है, क्यों? पत्रकार और मशहूर रेडियो उद्घोषक आवाज की दुनिया के शहंशाह अमीन सयानी का निधन, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। रेडियो पर संगीतमाला कार्यक्रम से अमीन सयानी की आवाज का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला, सुरो सरीखा सदा लगता था लेडीज फर्स्ट की तर्ज पर बहनों और भाइयों वाला उद्घोष। बिहार के लखीसराय में सड़क हादसे में 9 की मौत, 6 घायल, मृतकों की नहीं हुई है शिनाख्त। अज्ञात वाहन ने 15 सवारियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो के उड़े पर खच्चे। पटना में अपराधियों ने कारोबारी के घर पर कई राउंड फायरिंग की, वारदात का वीडियो आया सामने। इंदौर में दुकान में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से 1 की मौत, 2 घायल। बाराबंकी में टोल प्लाजा फ्री में क्रॉस कर रहे कांग्रेसियों और टोल कर्मियों में झड़प, घटना का वीडियो आया सामने। देवास में दलित युवक पर दबंगों का अत्याचार, पीड़ित से मारपीट का वीडियो वायरल। अहमदाबाद में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। औरैया में दिखा दबंगों का आतंक, पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटा, दुकान भी तोड़ी। उधम सिंह नगर में खनन कारोबार पर हुई फायरिंग, घटना में कई लोग घायल। सिवान में परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई गिरफ्तार, फर्जी परीक्षार्थी के साथ दोनों की हुई गिरफ्तारी। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी लगातार जारी, कई जगहों पर देसी शराब की फैक्ट्री की गई ध्वस्त। कोटा से 9 दिन से लापता छात्र का जंगल से शव बरामद, परिजनों ने पुलिस प्रशासन में लगाया लापरवाही का आरोप। रायबरेली में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने किया हंगामा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने की पुष्टि। बुलडाणा प्रसाद खाने के बाद 300 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल के बाहर रस्सी के सहारे हो रहा है पीड़ितों का उपचार। अजमेर में बदमाशों को पकड़ने पहुंची केरल पुलिस पर फायरिंग, कड़ी मशक्कत के बाद 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में रूम हीटर से 2 छात्रों की मौत, 3 छात्रों की हालत गंभीर। नर्मदापुरम में अज्ञात हमलावरों ने स्कूल संचालक को मारी गोली, अस्पताल जाते समय हुई मौत। संगारेड्डी में भीड़ ने एक शख्स को किडनैपर समझकर की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। बेगूसराय में लाश के दौरान छात्र की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी घोषित। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया काम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोले केजरीवाल, कहा इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद।
चंडीगढ़ मेयर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले सीएम भगवंत मान, आखिरकार सत्य की हुई जीत। कांग्रेस ने कहा यह तानाशाही ताकतों को मुंहतोड़ जवाब है। राहुल गांधी का ट्वीट, अनिल मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न में जबरन वसूली का आरोप, पीड़ित महिलाओं ने किया दावा। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीती सोनिया गांधी, बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर की जीत। लोकसभा चुनाव से पहले बाबा महाकाल की शरण में कांग्रेस, मध्यप्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, 2 मार्च मध्यप्रदेश में शुरू होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। यूपी में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की, 8 उम्मीदवारों में वाराणसी के सुरेंद्र पटेल, बदायूं से शिवपाल को धमकाया टिकट। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में आज हो सकता है तूफान, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की गई है भविष्यवाणी। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, 21 फरवरी के बाद मौसम में सुधार की उम्मीद है। कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, सोनमर्ग में सेना ने किया बचाव अभियान। श्रीनगर में हुई ताजा बर्फबारी, सैलानियों के खिले चेहरे। पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों पर जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग गांधरबल में 8वीं राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप का आगाज। गंगोत्री धाम में बर्फबारी का दौर जारी, तापमान में भारी गिरावट। औली में 5 इंच तक बर्फबारी, बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया शहर। दिल्ली में जायका दिल्ली के नाम से फूड फेस्टिवल का आयोजन, एक ही जगह पर मिलेंगे दिल्ली के सारे पकवान। चंद्रपुर में भालू का बच्चा कुएं में गिरा, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन, भालू को बचाने में वन विभाग नाकाम। दूसरी बार पिता बने विराट कोहली, अनुष्का ने सोशल मीडिया पर साझा की खुशी, बेटे का नाम रखा काय। अनुष्का ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम अपने बेटे और वामिका के छोटे भाई का स्वागत करते हैं, 15 फरवरी को बेटे का हुआ था जन्म। रांची में होने वाले चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे केएल राहुल, अभी तक नहीं हुए हैं फिट, सीरीज के 5वें टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस। आईपीएल ब्रॉडकास्टर ने ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम का किया ऐलान, एमएस धोनी को कमान, टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, बुमराह और जडेजा शामिल।